बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह शहर अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। बिलासपुर को भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। राज्य के किसी अन्य शहर के मुकाबले बिलासपुर में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री और कंपनियाँ मौजूद है। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहाँ एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय मौजूद है। एक सर्वे के अनुसार बिलासपुर शहर छत्तीसगढ़ का सबसे खुश रहने वाला शहर भी है। बिलासपुर शहर अपनी सुगंधित दुबराज चावल के लिए भी पूरी दुनिया में विख्यात है। इसके अलावा हथकरघा से बुनी हुई रंगीन रेशम की साड़ियाँ पूरे भारत में मशहूर है। लगभग 205 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए बिलासपुर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6 लाख से ऊपर थी। आबादी के हिसाब से बिलासपुर शहर छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है। बिलासपुर जिला कुल 5 तहसीलों में बटा हुआ है। बिलासपुर, कोटा, मस्तूरी, तखतपुर और बिल्हा। धार्मिक दृष्टिकोण से बिलासपुर शहर में 87.58% हिंदू, 7.78% मुस्लिम, 2.84% क्रिश्चन, 1.0% सिख अतः अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। बिलासपुर शहर की साक्षरता दर 86.71% है। इससे ये पता चलता है कि बिलासपुर शहर के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। बिलासपुर शहर छत्तीसगढ़ का व्यावसायिक केंद्र और व्यापारिक केंद्र भी है। बिलासपुर के सीपत में ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र मौजूद है। इसके अलावा ये शहर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का भी मुख्यालय है। बिलासपुर शहर में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। बिलासपुर ज़िले की अर्थव्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ 50% उद्योग से, 45% कृषि से और 5% अन्य साधनों से आय प्राप्त होती है, जिसके कारण बिलासपुर को औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। बिलासपुर रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है। यहाँ का जैन इंटरनेशनल स्कूल छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा स्कूल है। इसके अलावा बिलासपुर यूनिवर्सिटी, बिलासा गर्ल्स कॉलेज, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। इतिहास के पन्ने बताता है कि बिलासपुर कभी रतनपुर के कलचुरी राजवंश का हिस्सा हुआ करता था। बिलासपुर शहर का नाम 17वीं सदी में एक मछुआरन महिला बिलासा के नाम पर पड़ा। बिलासपुर शहर कभी मछुआरों का बस्ती हुआ करता था। बिलासपुर जिले का गठन सन 1861 में हुआ। उस समय बिलासपुर शहर की जनसंख्या 19,000 से ऊपर थी, जो मध्य प्रदेश राज्य का 8वां सबसे बड़ा शहर था। आवाहन के दृष्टिकोण से बिलासपुर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, बिलासपुर शहर में कुल 5 रेलवे स्टेशन मौजूद है। बिलासपुर जंक्शन, गतौरा रेलवे स्टेशन, चकरभाठा रेलवे स्टेशन, धाधापारा रेलवे स्टेशन और उसलापुर रेलवे स्टेशन, जिसमें से बिलासपुर रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 8 है। बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशन भी है। ये रेलवे स्टेशन बिलासपुर कटनी लाइन, टाटानगर बिलासपुर लाइन और हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर मौजूद है। राजधानी एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जनेश्वरी एक्सप्रेस, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस एवं बिलासपुर चेन्नई सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख रेलगाड़ियां बिलासपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। सड़क मार्ग, बिलासपुर शहर का न्यू हाईटेक बस स्टैंड छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के सभी शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप बिलासपुर शहर तक पहुँच सकते हैं। वायु मार्ग, बिलासपुर शहर के चकरभाठा इलाके में स्थित बिलासादाई एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। बिलासपुर शहर का ये हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। बिलासपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी बिलासपुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं कौन सी पर्यटक स्थल है
जिनके बिना बिलासपुर शहर का भ्रमण अधूरा है। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थानों में से एक अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व घने जंगलों से घिरा पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करता है। लगभग 555 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए टाइगर रिजर्व विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है, जिसमें आप बाघ, गिदड़, सियार, भालू, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर आदि अन्य जीवों को देख सकते हैं। खुटाघाट। बिलासपुर भ्रमण के दौरान आप यहां के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खुटाघाट की सैर कर सकते हैं, जो यहां की खारून नदी पर बना है। ये स्थान मुख्यतः अपने रिवर डैम के लिए जाना जाता है, जो मुख्य शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है, जहां स्थानियों के साथ साथ आसपास के पर्यटकों का भी आगमन होता है। इस स्थान पर आप खूबसूरत फूल उद्यान का भी आनंद ले सकते हैं। मनोरंजन के लिए यहां बोटिंग का भी सुविधा उपलब्ध है। रतनपुर। खुटाघाट डैम देखने के अलावा आप यहां के ऐतिहासिक स्थलों में से एक रतनपुर की सैर कर सकते हैं। रतनपुर एक प्राचीन स्थल है, जो अपनी प्राचीन रचनाओं के लिए जाना जाता है। यहां के दर्शनीय स्थलों में आप महामाया देवी की दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के मुख्य आकर्षण रतनपुर फोर्ट का भी सैर कर सकते हैं। यह एक अद्भुत किला है, जिसे देखने के लिए देश भर के पर्यटक आते हैं। यह स्थान मुख्य शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। कानन पिंडारी। बिलासपुर शहर में स्थित कानन पिंडारी छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से एक है। लगभग 115 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए कानन पिंडारी चिड़ियाघर में लगभग 70 प्रजातियों के वन्य जीवों का घर है, जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। इस चिड़ियाघर की स्थापना 2004 में किया गया था, जो बिलासपुर के सकरी इलाके में स्थित है। बिलासपुर के इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा आप कहीं अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जिसमें रामा मैग्नेटो मॉल, वंडर वर्ल्ड, 36 मॉल, काली मंदिर, मल्हार, बिलासा ताल, स्मृति वन, विवेकानंद उद्यान, ताला गाँव, मनकू द्वीप, दीनदयाल उद्यान, अरपा रिवर व्यू, भुलकेश्वर महादेव मंदिर, जोगी द्वीप एवं लुथरा शरीफ यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।